इससे पहले कभी कोई इतना सामान लेकर गया बंदा? नहीं। दिल से बताओ पहले कितनी खुशी है। अच्छा रुको रुको रुको, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों आज मदद करने का अलग अंदाज। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली बहुत नजदीक है, आपका भाई द्वारका की सड़कों पे बहुत देर से घूम रहा है सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए कि कोई ऐसा शख्स मेरे को मिले जिसकी मैं मदद कर पाऊं, जो मेरे को मतलब दूर से मेरे को ना अलग सी फीलिंग आ जाती है कि इंसान को देखकर कि हाँ भाई इसको जरूरत है, इसकी मदद करनी चाहिए। पिछले 40 मिनट से मैं नोटिस कर रहा हूँ, पीछे मेरे एक आइसक्रीम वाले भैया खड़े हैं जिनके पास कोई सामान लेने नहीं आया। हो सकता है उसे पहले कोई लेने आया हो, लेकिन मेरे सामने अभी तक कोई नहीं आया। आपका भाई अलग अंदाज में उनकी मदद करने जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखना मेरा अंदाज। आप बोलोगे सन्नी भाई किस अंदाज में आपने मदद करी है, मजा आ गया। इस वीडियो में अपनी वाइफ को मैं कॉल पे लूंगा और आप देखना बहुत ही डिफरेंट, बहुत अलग तरीके से आपका मदद करेगा। एक ऐसा अंदाज जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। सच में वीडियो बहुत आपको पसंद आने वाली है। आप बोलोगे सन्नी भाई बहुत दिल खुश कर दिया। वीडियो में कमेंट जरूर करना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियो को परिवार में शेयर जरूर करना। और हैप्पी दिवाली मैंने कैसे मनाई है, किस तरीके से मनाई है, ये वीडियो में आपको दिख जाएगा। और हाँ दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपके भाई की आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत ही अच्छी बनने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मनीष जी, 10 वाली आइसक्रीम है अपने पास। दीपिका, कितनी आइसक्रीम लेनी है? 10 वाली दे दो एक मेरी वाइफ के लिए। और निकालते रहो। और बताओ दीपिका, एक बेटी के लिए दे दो। हाँ जी, हाँ जी। और बताओ दीपिका, चाचा जी के लिए दे दो भैया, चाचा के लिए। चाची के लिए भी दे दो भैया, निकाल के रखते रहो कोने में। मम्मी के लिए दे दो, पापा के लिए भी निकाल के रखे, अलग अलग रखते रहो। ले रहा हूँ बेटा, ले रहा हूँ। मम्मी से बात कराओ। और दे दो, किसके लिए हो गई? मामा के लिए दो, मामा मम्मी के लिए चार दो, आठ हो गया। हाँ उसको अलग कर दो, मामा मामी के लिए दो। ले रहा हूं दीपिका। दे दो, लेनी है ना और लेनी भैया, मामा मामी के लिए दे दो जी, चार और। और उनके बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 6 और दे दो भैया। जी ये वाली तीन हो, खत्म हो गई आज, माले ने दिया। अच्छा और कितनी है, कितने वाली है फिर इसके लिए? 20 वाली है, 20 वाली दे दो बच्चों के लिए। बटे टोटल 6 बच्चे हैं मामा मम्मी के। हाँ ना ना, ये तो दे दो, 6 और दे दो। और बताओ दीपिका, बड़े मामा के लिए, बड़े मामा के लिए दे दो भैया, 6 आइसक्रीम दे दो बड़े मामा और मामी के लिए। और बताओ दीप, और बोलो। बुआ के बच्चों के लिए दे दो भैया, ये वाली 20 वाली 6 और दे दो। मैसेज कर दो, कितनों के लेनी है मैसेज करो। छह आइसक्रीम और दो 20-20 वाली, ऐसा ना भैया। दिवाली, जब दिवाली नजदीक होती है ना भैया, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए लेके जाता हूँ मैं। हो गई कितनी? हो गई 6, 6, 12, 20 वाली 12 हो गई, और ये कितनी हो गई? 11, 11 ये हो गई। अच्छा 11 ये हो गई,
और वो कितनी है? छह छह है दोनों में। छह आइसक्रीम और दे दो मेरे दोस्तों के लिए। टोटल कितने पैसे हो गए भैया? छह सौ तीस। दे दो सारा सामान, दो नए नोट चल जाएंगे। चल जाएंगे, दे दो। वाइफ का फोन आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ बोलो। हाँ ले ली। अच्छा हाँ, दीदी के बच्चे, ठीक है ले लेता हूँ। आठ हजार दे दिया। दीदी के बच्चों के बोल गया था मैं। है जी, 25 वाला होगा। हाँ कोई नहीं भैया, देखो देख, खिलाने तो सबको है ना भैया। अब सब अपने ये थोड़ी देखेंगे पैसे ज्यादा है कि है कम की है, गलत या सही। कितने हो गए भैया? 830 रुपए। दे दो दे दो, पकड़ा दो। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हो आप? मनीष जी, कहाँ रहते हो आप? बिहार के रहने वाले। आज पहली बार, इससे पहले कभी कोई इतना सामान लेकर गया बंदा? नहीं जी, स्कीम जो है ना, आज मैं ये 13 महीना से लगा रहा, आज पहला स्थान है। साहब 830 के ले जा रहे। तो कितने टाइम आपको, 1.5 महीना हो गया यहाँ पर? बस 1.5 महीना से हम लगा रहे हैं। आप जा रहे हैं 2-3 रोज में, फिर आएंगे तो पिछले सीजन आप आएंगे तो यही लगाएंगे। बार पकड़ाया है तो अब इसी जगह में हर बार लगाएंगे। ये बार तो क्या, कितनी कितनी खुशी आपको कि दिवाली भी है? अब दिल से बताओ पहले, कितनी खुशी है? अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको। ये तो फाजूल है। एक्स्ट्रा है? हाँ। कितने? ये सब फाजूल है ना। अच्छा, 830। कितने खुशी मिल रही है दिवाली पे? अब सीधा घर जाओगे? थोड़ी देर और रुकोगे? अब नहीं, अभी 11 बजे तक रहेंगे। अच्छा, बच्चे भी आपके? नहीं यहाँ पर नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं है। चलो भैया, खुश रहना हमेशा और मुस्कुराते रहना, कभी टेंशन मत लेना। मैं आपको बड़ी देर से नोटिस कर रहा था, आज कम से कम लगा लो 40-45 मिनट गाड़ी बैठा रहा मैं, वहाँ से घूम कर गाड़ी वहाँ लगाई। मैंने कहा यार भाई साहब को सामान लेने नहीं आया, ये सर बताओ कोई सामान कितना बिकाया था आपका सामान? 4-4 रुपये बस। मतलब महीने में कितनी कमाई होती है? 3-4 हज़ार रुपये की हो जाती है? 4 हज़ार नहीं, महीने में 2 महीना मात्र 10 हज़ार रुपये। 2 महीने में 10 हज़ार रुपये कमाया बस। रहने वाले बिहार से हो? चलो, मतलब पहली बार आपके सामने इतना सारा सामान कोई लेके जा रहा है। चलो धन्यवाद। अब ये लो, ये आपका गिफ्ट है, हैप्पी दिवाली। मैं आपको खुश करने आया था, आराम से आप खुश रहो हमेशा, कभी टेंशन मत लेना जीवन में। ये आपका तोहफा है, पैसे भी आपके तोहफे हैं। ये भी आपका तोहफा है और ये भी आपका तोहफा है। ये लो, ये आपको लिए, ये दिवाली गिफ्ट आपके लिए। हमेशा खुश रहना बस, चिंता कभी मत करना कि कमाई नहीं हो रही। जैसे अभी आपने बोला 10 हज़ार कमाए 2 महीने में, भगवान सबके लिए एक है। आपने कितने लोग देखे होंगे जीवन में, कोई लोग कूड़ा चुंगते हैं, कोई लोग बहुत मेहनत करते हैं, रेडी चलाते हैं, कोई लोग 2 हज़ार रुपये कमाते हैं,
कुछ लेडीज होती है जो घरों में काम करके घर पे कमाती है, तो सबकी अलग अलग किस्मत है, तो मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरा नाम सनी है, ठीक है भैया, ये आपका दिवाली गिफ्ट था, धन्यवाद, खुश रहना, कभी टेंशन मत लेना जीवन में। बाय बाय, जय माता दी।